आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। सांवेर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जनता को लुभाने में लग गए हैं। विभिन्न वादों और दावों के साथ प्रचार प्रसार बैठकों के रूप में किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने खुड़ेल गांव में मंत्री तुलसी सिलावट को अपने अंदाज में आड़े हाथों लिया। मंत्री जीतू पटवारी ने मालवी भाषा में खुड़ेल ग्रामीणों को संबोधित किया और जल संसाधन मंत्री व भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट को लेकर अपने अंदाज में व्यंग कसे। पटवारी ने कहा कि सिलावट कर्ज माफी नहीं करते हैं तो हम उन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। और क्या कहा कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने, ये आप खुद सुनिए। माफ होनो चाहिए कि नहीं होनो चाहिए? फिर से पूछूंगा, 2 लाख रुपया ना तक को किसान ना कर्जो माफ होनो चाहिए कि नहीं? अगर यो तुलसीराम सिलावट चुनाव पिछली सरकार में भी थो और इन्हीं सरकार में भी है, अगर यो 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला तो इनका गांव में घुसना दागा कहीं? तुलसीराम सिलावट 2 लाख रुपया तक को कर्जो पिछली सरकार में भी थो, इन्हीं सरकार में भी है, जो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला तो इनको अपन गांव में घुसना दागा कहीं? ये भैया सब दूर तुलसीराम सिलावट तक पहुंचा देना है जीतू पटवारी की बात नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं, बीजेपी की भी नहीं है, जो किसान ना की बात है। 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं होगा, किसान लठ लीनू भी है, ध्यान रख।